एग्जाम देना चाहते हैं, तो जितने भी छात्र जो है अपनी तैयारी को एक नए सिरे से प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर जो आगामी एग्जाम है उसमें बैठ रहे हैं, आप सभी जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये सही मौका है। यहाँ से आप बिगिनिंग कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ग्रेजुएशन में अभी होंगे, तो यदि आप ग्रेजुएशन में हो तो भी ये सही समय है, और यदि आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं एग्जाम देने, आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, तो आप दोनों माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कंप्लीट प्रारंभ से, मतलब आधार से शिखर की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी। तो होली का ये अवसर जो आपका है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक बिगिनिंग कर सकते हैं और एक लंबी जर्नी हमारे साथ प्रारंभ कर सकते हैं। लगभग 2 साल की जर्नी मान के चलिए कि आपकी रहेगी, आपके पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करवाने की, जो बच्चे फाउंडेशन बैच में जुड़ेंगे, ठीक है। और इस दौरान समझिए कि आपको नाम मात्र के शुल्क पे जो है पूरा का पूरा आपको फाउंडेशन कोर्स है, और जो बच्चे अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, ये जो भी एग्जाम अभी हाल फिलहाल में है, सारे एग्जाम जो है आप जो देने जा रहे हैं, आप सभी के लिए विशेष मौका है। और नाम मात्र के शुल्क पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी कंप्लीट तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के, और डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन के लिंक मिलेगी। आजाद ग्रुप के जितने भी एप्लीकेशन हैं उन सब में जितने भी हमारे कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हैं या फिर हमारे रिवीजन कोर्स हैं, चाहे वो आईएएस एग्जाम का हो या फिर अन्य जितने भी पीसीएस एग्जाम है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितने एग्जाम हम जो है कवर करते हैं। ये पर्टिकुलर एग्जाम है जो संस्था के द्वारा कंप्लीट कराए जाते हैं, इनके फाउंडेशन कोर्स भी हैं और इनके कंप्लीट रिवीजन कोर्स भी हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, ये आईएएस का एग्जाम है, इसका कंप्लीट रिवीजन कोर्स भी आपको मिलेगा और कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा। कंप्लीट रिवीजन और फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब है कंप्लीट बिगनिंग से बहुत डिटेल में, और रिवीजन का मतलब है एग्जाम के पहले आप कंप्लीट रिवाइज कर सके, ठीक है। तो आईएएस एग्जाम आपको कंप्लीट रिवीजन, इसका जीएस का जितना भी सेक्शन है, जीएस के चारों पेपर आपके कवर होंगे, सीसेट आपका कवर होगा, और आपके ऑप्शनल में हिस्ट्री ऑप्शनल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, दो वैकल्पिक विषय हैं। तो ये आपका जो है आईएएस एग्जाम का है, दूसरा आपका यूपीपीसीएस एग्जाम का, इसका भी कंप्लीट फाउंडेशन बैच है और दूसरा आपका कंप्लीट रिवीजन बैच है। इसके बाद समीक्षा अधिकारी का एग्जाम, ये कोर्स भी आपको मिल जाएगा, ये सारे एप्लीकेशंस में हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी, कोर्स की लिंक भी अवेलेबल करा देंगे। बीपीएससी एग्जाम का भी कंप्लीट फाउंडेशन बैच है और रिवीजन बैच है। तो आईएएस एग्जाम का फाउंडेशन और रिवीजन बैच, यूपीपीसीएस एग्जाम का फाउंडेशन बैच या रिवीजन बैच, रिवीजन बैच से वही बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यदि आपने किसी संस्था में पढ़ा, आपको लग रहा है कि अभी तैयारी में कुछ कमी है, तो वहाँ से जा कर के आप अंतिम समय में कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। और जो लोग कहीं, यदि किसी संस्था में आपने पढ़ा है, कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हुआ कंप्रिहेंसिव, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग बिल्कुल बिगिनिंग से फाउंडेशन कोर्स को जुड़िए, मतलब फाउंडेशन कोर्स से ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आईएएस एग्जाम का फाउंडेशन और रिवीजन कोर्स आपको मिलेगा, यूपीपीसीएस एग्जाम का फाउंडेशन और रिवीजन कोर्स है, आरओएआरओ का भी फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाएगा, रिवीजन कोर्स भी इसका है। समीक्षा अधिकारी एग्जाम को लेकर के अभी फाउंडेशन कोर्स से जुड़िएगा, क्योंकि रिवीजन के लिए जब आपका एग्जाम आएगा तब। बीपीएससी एग्जाम का भी फाउंडेशन और रिवीजन कोर्स आपको मिलेगा। समीक्षा अधिकारी एग्जाम जो आपका है, माफ करिएगा, समीक्षा अधिकारी एग्जाम आपका अभी चूंकि मेंस है, तो भी जो है आप इसके रिवीजन कोर्स में जुड़ सकते हैं समीक्षा अधिकारी के। इसके अलावा आरएएस का एग्जाम जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लिया जाता है, आरएएस के एग्जाम में भी आपको फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का एग्जाम है सीजीपीएससी का, तो सीजीपीएससी के एग्जाम में भी आपको कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, साथ में इसका रिवीजन कोर्स भी है आपका। सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, जितने भी जीएस के और सीसेट के टॉपिक हैं सारे इसमें कवर होंगे। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी का भी कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है। इसके अलावा जो लैंग्वेज वाले कोर्स हैं आपके, चाहे वो नागपुरी लैंग्वेज हो, तो नागपुरी लैंग्वेज अभी हमने करवाया है जेएसएससी सीजीएल और जो आपका जेपीएससी का कोर्स है, तो इसके लिए फाउंडेशन कोर्स आपका मिल जाएगा। एमपीपीएससी का जो आपका अपडेटेड सिलेबस है, उसके आधार पे आपको कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स एमपीपीएससी का भी मिल जाएगा। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम है, इसमें कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स आपको इसका मिल जाएगा। साथ ही आपको चाहे उत्तर प्रदेश राज्य का आपको अलग से अध्ययन करना हो, या फिर आपको स्टेट बीपीएससी का अलग से अध्ययन करना हो, राजस्थान का अलग से अध्ययन करना हो, छत्तीसगढ़ का अलग से अध्ययन करना हो, स्टेट स्पेशल राज्यवार राज्य विशेष का संपूर्ण अध्ययन हर एक स्टेट का मिल जाएगा, जेपीएससी का भी मिल जाएगा आपको, झारखंड का भी, मध्य प्रदेश का भी मिल जाएगा, उत्तराखंड का भी मिल जाएगा। तो राज्यवार अध्ययन अलग अलग आपको मिल जाएगा,
और मात्र नाम मात्र की शुल्क पे, क्योंकि इस समय जो आप लोगों को 30% का जितना भी कोर्स है ना, उसमें 30% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जितने भी हमारे फाउंडेशन कोर्स हैं, रिवीजन कोर्स हैं, सभी कोर्सेज पर फ्लैट 30% का ऑफ चल रहा है। इसके लिए आप लोगों को होली 30 ये आपका जो है कूपन कोड रहेगा, इसको ज़रूर आप लोग एक बार यूज़ करिएगा, ठीक है। ये कूपन कोड के माध्यम से आपकी शुल्क जो है नाम मात्र की हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन बैच से में जुड़ने के लिए, आप लोग यदि इस समय बिल्कुल नया प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर जाइए और जा करके अपनी तैयारी को प्रारंभ करिए। तो ये आप लोग के लिए एक विशेष सूचना थी। और निश्चित तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपकी तैयारी को एक नई दशा और दिशा मिलेगी। आपको बहुत बिगिनिंग से लेकर के चलेंगे, एक तरीके से उंगली पकड़ के जैसे ले चलना होता है। पहले आपका फाउंडेशन कोर्स में वर्कशॉप सेशन होगा, फिर एक एक सब्जेक्ट को आप क्रम से पढ़ेंगे। पॉलिटी आपको कठिन लगती है ना, आपको नहीं लगेगी, ये मैं गारंटेड कहता हूँ। हिस्ट्री आपको कठिन लगती है, आपको नहीं लगेगी। ज्योग्राफी आपको आसान हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मेंस के सब्जेक्ट हो, चाहे इथिक्स हो आपका, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, साइंस टेक हो आपका, इकोनॉमी का सब्जेक्ट हो, इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, इंडियन सोसाइटी हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, ये ए टू जेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट जनरल स्टडी के आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के लिए हमारे द्वारा इस बार जो होली के अवसर पर दिया जा रहा पूरा का पूरा जो है, एक तरीके से कह सकते हैं ज्ञान का उपहार ही है, ये गिफ्ट है। तो ऑनलाइन बैचेज में जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, आप लोगों को ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी इस वीडियो के। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके ऐप डाउनलोड करके अपनी क्लासेस प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नया शुभारंभ करिए। और देखिए, जर्नी लंबी है, ये जरूर ध्यान रखना है, एक लंबा सफ़र है, और लंबे सफ़र पे आपको कोई भी किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं महसूस होगी, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, बस ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। और क्लासेस में आपको हर एक चीज़ कंप्रिहेंसिव तरीके से मिलेगी, हर तरीके से। वहाँ पर वीकली टारगेट भी आपको मिलेगा कि साप्ताहिक स्तर पर कितना आपको कंटेंट करना है, ठीक है। ये हम लोग जो है लेकर के चलेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक विशेष जो है होली के मौके पर आप सभी छात्रों के लिए विशेष मौका है हमारे साथ। और सभी छात्रों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जो लोग तैयारी के इस समय एक नए दौर पर हैं, बिगनिंग कर रहे हैं, या फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रिवीजन के लिए आप परेशान हैं, तो आप लोग यहाँ से कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में जितने बच्चे ऑनलाइन बैच में रहेंगे, या जो बच्चे ऑनलाइन बैच में हैं, आप सभी के लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमारे